आप कहाँ देख कहाँ देख रहे हैं आप, इसमें तो देख रहे फोन में मेरा तो ऊपर जा रही है वहां से। आपके वैसे नजरे आप पर लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है लग नहीं रही, देखिए क्या देखूं तो कहां से थी नजर, कहां मेरी कहां जा रही, कहाँ जा रहे, वहां देखना उसमें देख, मेरी नजरा तो आप पे है, आपकी नहीं नजरा बदली उसमें नहीं करे इसमें। मैं तो नीचे देख रही है, इसका फर्क नीचे हाय देखना, एवरीवन, कैसे हैं आप नीचे सब? देखने में फर्क होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी लंबाई का फर्क है ये देखिए मैं ठीक नहीं हूँ, ये लंबे हैं। हाय तो बोलो हेलो एवरीवन, आगे नहीं कुछ बोल रहे हैव ए नाइस डे। तो अभी फ्रेंड्स मैं किचन में जा रही थी और मैं बनाऊंगी अपने लिए, जो है अपने लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन दोनों ने खा लिया है, शाम का टाइम हो चुका है, 5 बजने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि चाय के साथ कुछ खाने को हो जाए, हल्की हल्की सी भूख लग जाती है इस टाइम, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी ये वाले जवे। और ये पीछे मैंने टोपी रख दी थी गुड़िया की, उसने उतारी थी तो मैंने यहीं पे टांग दी, और वो मेरा जो हाथ साफ करने का है टॉवल वो रखा है। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ जवे, और नमकीन जवे मेरे फैमिली में कोई नहीं खाता। मेरा मन था आज, बहुत दिनों बाद मेरा मन हो रहा है कि मैं आज जवे खाऊं, तो चलिए बनाते हैं अभी नमकीन जवे। और मैंने उसके लिए काट के रखी हुई है शिमला मिर्च, ये देखिए 3 तरह की शिमला मिर्च है, ये लाल रंग की और ग्रीन और येलो कलर की, और ये टमाटर है, ये हरी मिर्च है। तो चलिए अभी बनाते हैं जवें। और आज ना खूब दर्द हो रहा है मेरी टांग में, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, टांग में अकड़न हो गई है इस टाइम क्या, सुबह रात से अकड़न हो गई है, क्योंकि चोट का असर जो है बाद में ही नज़र आता है, तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। फिर ये दवाई लेकर आए, बीटाडीन लेकर आए और आयोडेक्स लेकर आए, क्योंकि मेरी बाजू में भी चोट लगी थी, बाजू में भी बहुत दर्द है, तो आयोडेक्स मैंने बाजू पे लगाया और टांग पे मैंने बीटाडीन लगाया जहाँ पे चोट लगी थी। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप में लेट गई ताकि मुझे थोड़ा सा आराम हो, हल्की सी धूप लगे, लेकिन आज इतनी धूप भी नहीं थी, मौसम काफ़ी मतलब ऐसा धुंधला सा ही है, साफ नहीं है। तो फिर बस मैं उसके बाद बेटा खाने को कहने लगा कि मम्मी कुछ बना दो कुछ बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए बनाए थे चीनी के पराठे। तो चीनी के पराठे खाने के बाद वो ट्यूशन पे चला गया और इन्होंने भी एक दो चीनी का पराठा ही ले लिया, हल्की हल्की सी चीनी डाल के बना दिया था मैंने इनका, और अपने लिए नहीं बनाया। मेरा मन था नमकीन जवे खाने का, और शिवी भी सो गई है, वो भी पराठा खा के सो गई, तो चलिए अभी बनाते हैं। और यहाँ पे बाहर जो सूट है सोल वगैरह बेचने वाला आया हुआ है, और हर रोज आते हैं यहाँ पे, कश्मीर से हैं, बाहर के लोग हैं ये जो बेचने के लिए आते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को, इतनी दूर से यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि वो इस टाइम वहाँ पे कश्मीर में ज़्यादा सर्दी होती है, तो इन लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है, मतलब ऐसी जगहों पे ही जाते हैं जहाँ पे इतनी सर्दी ना हो और ये अपना काम कर सके, मेहनत कर सके, कमा सके। तो फ्रेंड्स, और मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने नमकीन जवों का तड़का लगा दिया था, जीरा डाल लिया था, हरी मिर्च डाल ली थी और टमाटर डाल दिया, और उसके बाद मैंने साथ के साथ ही डाल ली थी शिमला मिर्च, क्योंकि टमाटर और ये सब चीज़ें साथ के साथ ही मैं भून लूँगी और साथ ही दो तीनों चीज़ें हो तीनों चारों चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद मैं डाल लूँगी मसाले, हल्दी, नमक और मिर्च, और बस उनको मिक्स करके अच्छे से, तो उसमें डाल दूँगी पानी। और नमकीन जल में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान और जाली डिश है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे तो बहुत स्वाद लगती है। मेरी फैमिली में मेरी ननद खाती थी, बाकी तो कोई और नहीं खाता था, लेकिन आज पहली बार मेरे हस्बैंड ने भी खाए और उनको बहुत स्वाद लगे, बहुत टेस्टी लगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है जमे के हिसाब से, क्योंकि मैंने थोड़े से ही जमे बनाने हैं, उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको खद्दा लगने के लिए छोड़ दूँगी, पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें जमे डाल दूँगी। जब तक पानी में खद्दा आता है, उबाल आता है, तो तब तक मैं अपनी ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है वो काट के रख लूँगी, ताकि मुझे आसानी हो जाए, फिर टाइम के टाइम मुझे दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैं सारी शिमला मिर्च काट के रख लूँगी, पीली
और ये रेड कलर की और ग्रीन कलर की, ये तीनों शिमला मिर्च काट लूँगी और आलू तो मैं बाद में ही तो यहाँ पर काटूँगी। मैंने अपने लिए जवे डाल लिए हैं, आप भी खा लीजिए और देखिए खाने में बहुत टेस्टी लग रही है, मन कर रहा है कि बस। तो चलिए अभी खा लेते हैं क्योंकि अभी इंतजार नहीं हो रहा, तो मैं अपने लिए चाय ले लेती हूँ। तो ये ले लिए मैंने अपने लिए चाय और जवे, तो आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पर मैं जमे खाने के लिए बैठ चुकी थी और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है मेरा और सब्जी वगैरह अभी बनाऊंगी जाके, क्योंकि शिमला मिर्च मैंने काट के रख ली है, आलू काटने हैं, बाकी उसमें मसाला वगैरह बनाना है जो वो भी अभी बाकी है, वो अभी करूंगी जाके। तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। और शिवी सो गई है, काफी देर से सोई हुई है, उठने वाली है, क्या पता अब उठ जाए, थोड़ी देर में उठ जाए, पता नहीं। अभी मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा डब्बा रोटी रखने का, ये देखिए मिल्टन का है, ये मैंने यही लोकल मार्केट से लिया था, कुरुक्षेत्र में जो मार्केट है वहीं से लिया था। ये देखिए ये इसका ढक्कन है और इसमें ये वाली जाली है, ये वाली कंपनी जो है काफी अच्छी है, इसके ब्रांड काफी अच्छे होते हैं, काफी चीजें अच्छी निकलती है। और उसने ये कहा है कि इसमें रोटी बिल्कुल भी ठंडी नहीं होगी, और अच्छा लगा मुझे ये। तो मैंने ये काफी दिन पहले खरीद लिया था, लेकिन निकाला नहीं था, मन नहीं कर रहा था मेरा इसको निकालने का, लेकिन फिर अब सोच रही हूँ मुझे करना भी क्या है, बेटी बड़ी होती तो शायद मैं सोच लेती कि हाँ मैं इसको रखी रखूंगी, बेटी को दे दूंगी। होता है ना, माओ को थोड़ा सा बेटियों के लिए सोचना पड़ता है अगर बेटियां बड़ी हो जाती है, लेकिन मेरा तो बेटा बड़ा है, मुझे क्या दिक्कत है, बेटी तो अभी बहुत छोटी है, इसके लिए अभी सोचने की जरूरत नहीं है मुझे, अभी तो इसकी पढ़ाई लिखाई और बहुत सारे काम, और मैं चाहती हूँ कि अपने पाँव पर खड़े हो जाए मेरे दोनों बच्चे। और ये होता है कि जब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तो कुछ करने लगेंगे, तो ही उनकी शादी वादी के बारे में सोचेंगे, अभी से क्या सोचना, फालतू की टेंशन लेनी। तो चलिए अभी मैं जाऊंगी किचन में, जब तक सिवी सो रही है तो सोच रही हूँ कि सब्जी वगैरह बना लूँ, इसका कोई पता नहीं है फिर उसके बाद ये परेशान करेगी। तो आप बताना कि आपको मेरा ये वाला डब्बा कैसा लगा। तो आज मैं, आज नहीं कल से शुरू करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी कहती हैं कि कोई भी चीज हम लोग नई निकालते हैं तो उसको हमें सुबह के टाइम निकालना चाहिए, जैसे हम लोग आटा पिसवा के लाते हैं तो वो भी हम लोग सुबह से ही शुरू करते हैं, रात के टाइम हम लोग जो आटा नया आटा जो पिसवा के लाते हैं उसका यूज नहीं करते। ज्यादातर जो नई चीजें यूज करनी होती है वो हम सुबह के टाइम यूज करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। और आपको मेरा ये दुपट्टा कैसा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये, यही ये कॉटन का दुपट्टा है, और मेरे पास वैसे तो कई हैं लेकिन मम्मी ने ही दिए हैं जो भी, वैसे मैं कॉटन के दुपट्टे ओढ़ती नहीं हूँ, मुझे इतने पसंद नहीं है, मैं सूट के साथ के ही ओढ़ती हूँ, जब से यहाँ आई हूँ तो मैं दुपट्टे इतने ओढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई इतना बड़ा, मेरी सास ससुर या कोई होता तो मैं दुपट्टे ओढ़ती, यहाँ पे कौन है, मेरे हस्बैंड है तो उनसे तो मैं देखिए अब नहीं लेती हूँ दुपट्टा। और यहाँ पे तो मैं जैसे जैसे माहौल में रहते हैं हम वैसे ही होते चले जाते हैं, तो यहाँ पे तो आपको पता ही है शहरों में तो थोड़ा सा खुला माहौल होता है, गाँव का माहौल अलग होता है, वहाँ पे तो हम सर पे दुपट्टा लेते हैं, सर पे चुन्नी वगैरह लेते हैं, लेकिन हमारा घर तो गाँव में भी काफी दूर पड़ता है गाँव से, तो लेकिन वहां पे हम चुन्नी रखते हैं सर पे, क्योंकि हमारी सास है, देखिए अपने बड़ों के सामने हमें सर पे चुन्नी लेनी चाहिए और लेते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम उतार देते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा चेंज हो गई हूँ, देखिए जैसा माहौल होता है वैसा ही हम चेंज हो जाते हैं। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, करते हैं अपना काम, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही बोलती रही, तो चलते हैं।
और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपका एक लाइक देने में कुछ नहीं जाता है और मेरी हिम्मत बढ़ती है उस लाइक से। आप समझ सकते हो कि मुझे कितना फायदा होता है आपके सिर्फ एक लाइक करने से। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है, अच्छी लग रही है मेरी वीडियो, तो मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक जरूर करें और अगर पसंद आए वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि ये इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है मिल्टन का है बट तो वहां से सीधा फिर मैं किचन में आ गई थी। गुड़िया उठ गई थी तो पहले उसको संभाला, उसको चुप कराया, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने बनाई शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेल चढ़ा लिया है, तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। तो उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और शिमला मिर्च को भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये आलू फ्राई करने से और शिमला मिर्च फ्राई करने से काफ़ी टेस्टी हो जाती है सब्जी। वैसे मैं हर बार ऐसे नहीं करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। कभी कभी अच्छा टेस्टी भी खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना तले सब्जी टेस्टी नहीं बनती, लेकिन कई बार इस तरह से बनाने का मन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डाल लूँगी हींग, जीरा और प्याज का पेस्ट, और बस इसको डालकर मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक, मिर्च और सभी चीज़ें डाल लूँगी। जो मसाले आपको डालने हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी धनिया पाउडर, नमक सॉरी जीरा पाउडर। तो ये सभी चीज़ें डालकर मैं मिक्स कर लूँगी। मेरे पास जीरा पाउडर और जो गरम मसाला है वो ख़त्म हो चुका है। आप जो चाहें मसाले वो डाल सकते हैं, वो अपनी इच्छा पर है। मसाले कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। नमक मिर्च भी आप कम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कम खाना है तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च और उसके बाद डाल दूंगी इसमें टमाटर और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मसाला जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। टमाटर अच्छे से तेल छोड़ देंगे तो वो मैं डाल दूंगी इसमें आलू। तो यहाँ पर मेरा मसाला जो अच्छे से तैयार हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू और साथ ही डाल दूंगी मैं शिमला मिर्च, और इन दोनों को मैं अच्छे से फिर मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं इनको ऐसे ही ढककर छोड़ दूंगी, सिम आंच पर छोड़ दूंगी ढककर, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अगर तेज आंच पर रखेंगे तो ये जल जाएगी सब्जी। तो इसको हमने बिल्कुल सिम आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर हो चुका था ज्योत बत्ती करने का टाइम, पूजा करने का टाइम। तो यहाँ पर मैंने ज्योत लगा दी है और मत्था टेक लिया है, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। हर काम करते हैं तो पूजा पाठ भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद आटा बनाने लग गई थी। जब तक मेरी सब्जी होती है तब तक मैं आटा लगा लगा कर रख लूँगी, और थोड़ी देर आटा लगा कर रखने से अच्छे से तैयार हो जाता है, अच्छी रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी अच्छे से तैयार हो गई है। तो आप बताना कि आपको मेरी सब्जी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने इनके लिए खाना परोस दिया है, तो आप भी खा लीजिए। आपको कैसा लगा बताना फ्रेंड्स। तो अभी खाना वाना हो चुका है हमारा, मेरे हस्बैंड खाना खा के बैठ चुके हैं इनका स्टाइल भी नया रही है तो अभी टाइम कितना हो गया, 9 बज चुके हैं और बस दूध का काम रह गया है मेरा। और जब ये पास बैठे होते हैं ना तो मेरी बोलती बंद हो जाती है अभी वीडियो का एंड करने का टाइम हो चुका है। और आपको मेरी डिश कैसी लगी, आज जो मैंने सब्जी बनाई थी उसको बताना। और जवें मैंने बनाए थे, जो नमकीन जवें, इनको बहुत पसंद आए। हालांकि ये कभी खाते नहीं थे, लेकिन इन्हें खूब टेस्टी लगे, तो आप भी कभी ट्राई करके देखना। तो अभी करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बोलना, आओ फिर बोलो बाय।